विभवमापी का मानकीकरण। विभवमापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया, शुद्ध मान ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है। इसमें विभवमापी में प्राथमिक परिपथ हमेशा समान रहता है, इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी सर्किट। प्राथमिक परिपथ इसको बोलेंगे द्वितीयक परिपथ। प्राथमिक परिपथ में प्राथमिक सेल की कुंजी के धारा नियंत्रक आरएच को संयोजित किया जाता है। ये विभवमापी के तार एबी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। ए उच्च विभव पर होता है। द्वितीय परिपथ में एक मानक सेल का उपयोग किया जाता है जिसका उच्च विभव बिंदु या धनागर बिंदु ए से वह ऋणागर गैलोनोमीटर की सहायता से विक्षर की कुंजी से संयोजित कर दिया जाता है। अब बात आई मानक सेल की, तो मानक सेल क्या होता है? मानक सेल वह सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल शुद्धता के साथ ज्ञात हो वह लंबे समय तक नियत बना रहे, तो उसे मानक सेल कहा जाता है। मानक सेल के रूप में कैडमियम व डैनियल सेल का उपयोग किया जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इनके विद्युत वाहक बल क्रमशः 1.0186 वोल्ट व 1.08 वोल्ट होता है। अभी सबसे पहले कुंजी के का डॉट लगाते हैं, वह परिपथ को पूर्ण करते हैं, परिपथ को पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात विक्षर्पी कुंजी जे को, विक्षर्पी कुंजी जे को विभवमापी के तार एबी पर खिसकाते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। उस स्थिति में मान लेते हैं विभवमापी के तार की संतुलित लंबाई L1 प्राप्त होती है, L1 प्राप्त होती है, तो E इज इक्वल टू अपने पास X L1, E इज इक्वल टू X L1, जहां L1 संतुलित लंबाई है, संतुलित लंबाई है। देखो यहां से हम x की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं,